आम आदमी पार्टी के विधायक समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं अपने उम्मीदवारों का, और हमारे साथ सभी जो उम्मीदवार हैं वो नजर आ रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक के साथ। जाहिर है सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, थोड़ा बहुत तनाव भी है क्योंकि नामांकन दर्ज करना है, लेकिन सवाल हमारा सबसे पहले दुर्गेश पाठक से होगा, नर्वस तो नहीं है 2017 के बाद 2022 को लेकर? देखिए, हर चुनाव में एक नर्वसनेस होती है, लेकिन ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। इस चुनाव में हमसे ज़्यादा दिल्ली की जनता चाहती है चुनाव, क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी परेशान थी 15 साल से। लोग कूड़े से इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है, पूरी दिल्ली गंदी हुई पड़ी है। सबको भरोसा है कि अगर केजरीवाल जी को एमसीडी हमने दे दिया तो केजरीवाल जी एमसीडी ठीक कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है और 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं लोग। आम आदमी पार्टी ने लगता है काफी दिलचस्प बना दिया इस चुनाव को, क्योंकि पूर्व विधायक भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती होगी आपके सामने? चुनौती कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का काम, हमारे विधायक जी के काम इस क्षेत्र में, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में लाजवाब है। और यहाँ चुनौती कोई नहीं है, कोई टक्कर में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी हम पूरी मेहनत करेंगे, जिस तरह से पहले की है आगे भी मेहनत करते रहेंगे, और चुनाव भारी बहुमत से हम लोग जीत के आएंगे। पीछे हम तस्वीर दिखा दे, देखिए झाड़ू लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, जो उम्मीदवार हैं अपने हाथों में झाड़ू थामे हुए पहुंचे हुए हैं, और विधायक शिवशरण गोयल भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर आए हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रही है इस चुनाव में, क्या वो आपके लिए मुश्किल बन सकता है? देखिए, बीजेपी का काम ही है आरोप प्रत्यारोप करना। बीजेपी ने बताई है कि 15 साल से एमसीडी में है, कोई एक चीज उन्होंने बताया कि उन्होंने किया हो उसके ऊपर। दिल्ली बीजेपी निगेटिव राजनीति करती है, हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं। हम बताते हैं कि ये रोड मैप हमारा, ये हमारा पूरा प्लान है, दिल्ली को कूड़ा मुक्त कैसे करेंगे, दिल्ली को साफ कैसे करेंगे। बीजेपी क्या करती है, सुबह 9 बजे से उठ के गालियां देना शुरू कर देती है, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल वो। जनता को सोल्यूशन चाहिए, जनता को अपनी परेशानियों से सोल्यूशन चाहिए। विधायक जी झाड़ू लेके पहुंचे हुए हैं, ये देखिए झाड़ू हाथ में है, और संदेश देना आप साफ तौर से चाह रहे हैं कि अब इसी झाड़ू से सफाई होगी? मैं पहले भी सफाई की थी 2013 में भी, 15 में भी, 20 में भी। अब हाथ खड़े कर दिए हैं बीजेपी ने एमसीडी के अंदर, 15 साल से वो नाकाम रहे, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जनता परेशान है, जनता को छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो झाड़ू हमने थाम लिए, अब झाड़ू से सफाई होगी सबकी। अब जब पूरी दिल्ली में सड़कों पे कूड़ा है, पार्कों में कूड़ा है, गलियों में कूड़ा है, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है, और दिल्ली वासी परेशान है, और उनको पता है जो केजरीवाल जी कहते हैं वो होता है। उम्मीदवारों से एक सवाल ले लेते हैं, जाहिर है नामांकन भरना है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होगी, लेकिन क्या तैयारी? पूरी तैयारी है जी, बस दिल्ली को साफ करके दिखाना है और केजरीवाल जी को प्राउड करके दिखाना है, जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करना है। शुरू में आपने क्योंकि भगवा गमछा पहना हुआ है, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट तो नहीं है। कार्यकर्ताओं ने ही पहनाया, हमें ये गुरुद्वारे से लाए हैं वो। चलिए, लेकिन आपने कंफ्यूजन भी दूर कर दिया, लेकिन किस तरीके से इस चुनाव में आपका कैंपेन होगा, क्या बड़ी चुनौती है आपके सामने? चुनौती कोई नहीं है, आई थिंक एवरीबडी इज फेड अप ऑफ बीजेपी एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू वोट फॉर आप, बस ये है कि हमने प्रॉमिस किया और अब करके दिखाएंगे उन्हें। महिला उम्मीदवार को काफी मौका मिला है इस बार, लगता है कि इससे और भी जागरूकता बढ़ेगी और साथ ही जो महिला वोटर है वो और सामने। बिल्कुल, और महिलाएं तो और बढ़ के काम करेंगी। क्या आपके सामने चुनौती है? जी चुनौती तो कुछ नहीं है, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है, ठान लिया है तो अब वो करके दिखाएंगे, क्योंकि अरविंद जी ने जो गारंटी दे दी है वो पूरी करेंगे और खरे उतरेंगे अपने काम पर। और भी उम्मीदवार हैं, ये देखिए पूजा पाठ करके आ रहे हैं आप मंदिर से। जी जी जी, मैं सुबह मंदिर गया था, मैं ईश्वर का आशीर्वाद लेके, माता रानी का आशीर्वाद लेके अपने घर से अपने साथ निकला हूँ। सुबह परिवार के लोग मिलने आए थे और क्षेत्र के लोग साथ में आया हुआ है। जी मेरे परिवार मेरे साथी हैं जो मेरी मदद करते हैं हमेशा, वो लोग मेरे साथ आए हुए हैं। झाड़ू हाथ में थामे हुए हैं, तो क्या इरादा है इस झाड़ू से? सफाई करनी है भारतीय जनता पार्टी की, और सफाई के लिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। मैं एक बात साफ कहना चाह रहा हूँ, इस चुनाव के अंदर कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, गंदगी के पहाड़ लगाए हैं, कूड़े के पहाड़ लगाए हैं, उससे मुक्ति दिल्ली की जनता को चाहिए, इसलिए दिल्ली की जनता ने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। उम्मीदवारों पे कहीं ना कहीं समर्थन विधायक का हो तो इस चुनाव में बात जो है वो कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए बन जाती है। विधायक कितना समर्थन कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों? आपके साथ है तीनों निगम पार्षद जो चुनने जा रहे हैं, साथ में है, टीम पूरी साथ में है,
हर एक ही संकल्प है कि दिल्ली वासियों ने जो हमें इतना बड़ा बीड़ा देने जा रहे हैं उसको काम करना है। दिल्ली में जैसे काम हुआ पिछले 8 सालों में और अब काम करने का, और हमारे पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है हमारे मुख्यमंत्री ने कि दिल्ली में सफाई की जाएगी, पार्कों का सुंदरीकरण किया जाएगा, सड़कें बेटर मिलेंगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, 3 कूड़े के पार हटाए जाएंगे, और जो बिल्डिंग्स के अंदर भी जो घपला होता है उसको भी, यानी कि पूरा रोड मैप दे दिया गया। और वहीं बीजेपी वही झूठ के ऊपर आधारित हो गए, एक भी काम वो करके दिखा नहीं पाई, ओनली झूठ के वायदे के सिवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मोतीनगर से विधायक हैं शिवचरण गोयल, वो पहुंचे हुए हैं उम्मीदवारों का समर्थन कर लिए, हाथ में झाड़ू थामी हुई है, तो भरोसे से भरपूर यहाँ पर उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि ये भरोसा कैंपेन के दौरान और बाद में भी कितना कायम रहता है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।